रणबीर अद्रीजा के साथ कितना खुश है। रणबीर को मेघला पसंद है, लेकिन बाजवा फैमिली तो अद्रीजा को अपनी होने वाली बहू मान रही है। हम उनके एंगेजमेंट पे जा ही रहे हैं, वहाँ जाके सब पता चलता है। पता है, मैंने मेघला को रणबीर जी के साथ देखा था स्टार परिवार अवार्ड्स में। लेकिन अद्रीजा तो रणबीर से प्यार। चलो एनीवेज, हम तो एंगेजमेंट पे तो जा ही रहे हैं। रणबीर सब आएंगे देखने कि आखिर किसका नाम जुड़ेगा रणबीर के साथ। गुम दिल का रब रखा दिवाली महासंगम इस रविवार शाम 6:30 बजे से स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अनिल जी, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे पर खुशी जी, खाना तो खा लीजिए। 2 मिनट्स, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। शीतल जी से बात करनी ही पड़ेगी। हाँ? कुछ नहीं। अर्णव जी, ये आप क्या कर? No questions. जल्दी रेडी हो जाओ, हम डिनर पे जा रहे हैं। नहीं अर्णव जी, आज नहीं। खुशी, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला। We're going for dinner. Just get ready. अर्णव जी, आज हम बहुत थक गए, हमारा मन नहीं कर रहा। Obviously थकी होगी, सुबह से कुछ खाया जो नहीं है। Anyway, एक बार तुम रेस्टोरेंट में अपना फेवरेट खाना देखोगी, सारी थकान दूर हो जाएगी। Okay? Let's go. सच में मन नहीं कर रहा। खुशी, आज का दिन तुम्हारा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ, इसलिए हम डिनर करने बाहर जाएंगे। और पॉप द शैंपेन। हाँ, मैं खोलूंगा, तुम ट्राई भी मत करना। ओके, लेट्स गो। अनु जी, आज रहने दीजिए ना। हेलो, हाँ अमन, वो रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन कैंसिल कर दो। नहीं, वो नॉट गोइंग। अर्णव जी, आपकी ये फाइल्स कहाँ रखनी है? जहाँ तुम्हारा मन करे। आपकी फाइल्स है, बताइए तो सही। खुशी कुमारी गुप्ता सिंह राय साहब KGSR केटरिंग सर्विस कंपनी भी तुम्हारी और फाइल भी मैंने रजिस्टर करवा दिया। तुम्हारी डब्बा कंपनी अब एक लेजिटिमेट बिजनेस है। तुम जब से चाहो शुरू कर सकती हो, जहाँ से चाहो ऑपरेट कर सकती हो और जिसे चाहे पार्टनर बना सकती हो। अनुव जी, आप ये सब, तुमने सुबह से व्रत रखा हुआ है तो मैंने सोचा कि तुम्हें खाना बनाने वाली कंपनी गिफ्ट कर दूँ। हो सकता है रेस्टोरेंट भी ले जाऊँगा डिनर के लिए बिना किसी के सर पर कॉक मारे। नेवर माइंड। सॉरी, अर्णव जी, आज दिन भर हमने कुछ नहीं खाया ना, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, अब हम अपनी इस गलती को कैसे सुधारें? समझ गए, जब हम अपना डब्बा सर्विस खोलेंगे ना तो हर रोज आपको मुफ्त में बिना चीनी का मीठा भेजेंगे और साथ में मथुरा के आलू पूरी भी। इससे भी हमारी दाल नहीं गल रही। ठीक है, हम आपके लिए बिना तेल के पकौड़े बनाएंगे, ये खुद में बहुत बड़ी बात है। और अगर चलो, कम से कम आज हमारे पागलपन पर आप हंसे तो सही। सोच रहा हूँ तुम्हारी भी रजिस्ट्री करवा दूँ, तुम्हारा ट्रेडमार्क करवाना बनता है, अपने टाइप की एक ही तुम पूरी दुनिया में। अब चले। वैसे अचानक ये डब्बा वाला बिजनेस कैसे याद आ गया आपको? मैं जानता हूँ कि तुम खाना बनाने से और खाना खाने से उतना ही प्यार करती हो जितना मुझसे। एक्चुअली खुशी, उससे तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाओगी। पैसों के लिए किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आई मीन, नेवर नो, कल को अगर मैं ना हूं। खाना खाने की बहुत जरूरत है। चलो खुशी भाभी, ये आपके लिए। आप करवा चौथ के कार्यक्रम में व्यस्त थी तो आपको दे नहीं पाए। जी, शुक्रिया।
तुमने मेरा और आरव का डीएनए टेस्ट करवाया? हमें माफ कर दीजिए अरुण जी, हमसे गलती हो गई। हम आपसे वादा करते कि हम इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। शायद ये देवी मैया की मर्जी है कि आज हमें सारी सच्चाई पता चल जाए। ये डीएनए जांच की रिपोर्ट भी हमारी गलतफहमी है। हाँ, ये रिपोर्ट कहती है कि उनके बीच एक रिश्ता है, एक गहरा रिश्ता। आरव अर्णव जी का खून है, बाप बेटे का रिश्ता है। अब कीजिए, इस बात से भी इनकार कीजिए। माफ करना, मैं ही नहीं चाहती थी। So sorry. आपने पहले इस सच क्यों नहीं बताया? बार बार इस बात से इनकार क्यों किया? मैं आरव को खोना नहीं चाहती थी। आरव को हर दुख, हर तकलीफ से दूर रखना चाहती थी। और मेरे पास आरव के अलावा कुछ भी नहीं है। आरव मेरी जान है। मुझे डर था कि अगर अर्णव को पता चल गया तो वो आरव को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा। अगर अर्णव ने ऐसा किया तो मैं नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आरव को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आरव मुझसे दूर चला गया तो मैं खुशी पे नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। शीतल जी, खुशी प्लीज प्लीज अर्णव को मत बताना। लेकिन शीतल जी, आरव अर्णव जी का बेटा है। नहीं खुशी, नहीं, वो अर्णव सिंह रायसादा है। He can do anything। और अगर उसने आरव की कस्टडी ले ली तो फिर मैं खुशी, जब मैं दिल्ली आई थी तो अर्णव को ही ढूंढने आई थी। मुझे कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि कभी हम साथ थे, करीब थे, कम से कम मेरे लिए ऐसा ही था। पर जब मैं उससे मिली तो पता चला ही इस मैरिज, फिर समझ आ गया था कि मैं उसके कल का एक छोटा सा हिस्सा थी और कुछ नहीं। क्यों मिली उससे? मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं यहां से जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी चली जाऊंगी। लेकिन फिर हालात ही बदल गए, मुझे यहां रहना पड़ा। और आरव, नहीं खुशी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं और तुम रिश्तों की नजाकत समझ सकते हैं, लेकिन मेरा आरव वो समझ नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। और अगर उसे पता चल गया कि अर्णव उसके पिता है और आरव ने घर पर रहने की जिद की तो मैं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे लोग, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस परिवार को नहीं तोड़ सकती।
और अगर अरमन ने डिसाइड कर ली कि वो आरव को अपनाना चाहता है तो भाई खुशी प्लीज अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में खुशी प्लीज अरमन को मत बताना मेरे लिए खुशी प्लीज मत बताना मैं आरव के बिना मर जाऊंगी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।